दोस्तों नमस्कार। चलना है तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी और RFs की वैकेंसी आने वाली है। अभी से आप गंभीर अभ्यर्थी हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए। और तैयारी कैसे करें तो ये बार बार बताता हूँ, क्योंकि ताकि आपके लिए मोटिवेशन का काम करें। जैसे कि RFs की वैकेंसी आने वाली है तो अभी आप तैयारी इस तरीके से करो, चाहे राजस्थान GK हो चाहे नेशनल GK हो, बिना किसी विकल्प के आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे राजस्थान में औद्योगिक विकास पूछे तो आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए, राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास केंद्र, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई इस साल में की गई, ये इसके द्वारा योजनाएं चलाई जा रही, रीको की स्थापना इस साल में की गई, ये योजनाएं रीको की है। इसके अलावा राजस्थान के लिए और जो संस्थाएं काम कर रही है, ये संस्थाएं काम कर रही, खट 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 आना चाहिए। इसी तरीके अगर आपसे सपोज करो आपका टॉपिक है राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, आना चाहिए राजस्थान के अंदर सड़कों की स्थिति, ये नेशनल हाईवे, ये स्टेट हाईवे है ना, और ये केंद्र सरकार की योजना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये राज्य सरकार की योजना, इस तरीके से एक एक पॉइंट आपको आना चाहिए। जैसे सपोज करो आप राष्ट्रीय आंदोलन तैयार कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन आपको खट खट आना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना हुई, ये कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर ये अध्यक्षता इन्होंने की थी, ये प्रमुख मुद्दा था। आपको पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन से लेकर के कैबिनेट मिशन से लेकर के, जैसे कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं ठीक, तो आपके सारा का सारा मिक्स हो जाता है। मुख्य परीक्षा के समय में कैंडिडेट के लिए क्या होता है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, ये सारे के सारे मिक्स हो जाते। तो अभी से आप अंतर जब पढ़ो तो उस समय बहुत ध्यान से पढ़ो, देखो क्रिप्स मिशन में क्या पॉइंट थे, कैबिनेट मिशन के अंदर क्या पॉइंट थे। इसी तरीके से अगर आप विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो विज्ञान के अंदर आप उपग्रह पढ़ रहे हैं तो बार बार ना पढ़े, पढ़े उस समय ध्यान से पढ़े, पहला उपग्रह कौन सा था, फिर कौन सी सीरीज थी, वर्तमान के अंदर कौन कौन से उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं तो भारत की जनगणना के आंकड़ों बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, राजस्थान की जनगणना के आंकड़े बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए, शिक्षा साक्षरता लिंगानुपात, ये ऐसे फैक्ट है जो परीक्षा के समय में अगर याद करोगे तो आप तनाव के अंदर आ जाओगे। तो अभी से तैयारी करो, बिना विकल्पों की तैयारी इस तरीके से करो कि अगर आप से पूछा जाए कि राजस्थान के अंतर्गत कृषि के लिए वर्तमान के अंदर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है तो आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए ये योजनाएं चलाई जा रही है और इस साल के अंदर इस योजना का शुभारंभ किया। तो कोशिश ये करो कि बिना विकल्प के आप प्रारंभिक परीक्षा में सवालों को सही कर सके, चाहे राज्य सरकार के फ्लैगशिप स्कीम हो, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हो, सारे के सारे जो फैक्ट है आपको बिना विकल्प के आना चाहिए, क्योंकि तभी आप मुख्य परीक्षा के अंदर जो उत्तर बहुत अच्छा लिख पाओगे, या आम के आम और गुठलियों के दाम हो गई। तो तैयारी इस तरीके से करो, अभी चूंकि आपके पास में समय है तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी इस तरीके से करो कि मुख्य परीक्षा के अंदर जो कॉमन चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। करंट अफेयर्स पे अच्छा फोकस करो, नेशनल मूवमेंट भी अच्छे तरीके से जोड़ दो, भारत के भूगोल के अंतर्गत आप देखो, भारत के भूगोल के अंदर आपसे पूछे खनिज तो आपको पता होना चाहिए साहब ये लो खनिज, ये मैगनीज के अंदर यहाँ सोना निकलता है, यहाँ पे चांदी निकलती है, यहाँ कोयला निकलता है, मैप के अंदर रुचि डेवलप करो, देखो एक एक चीज मैप के अंदर आपको इस तरीके से आनी चाहिए। तो भारत के भूगोल के अंदर आपसे पूछे मानसून, खटखट आना चाहिए साहब ये मानसून क्या होता है, ये मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत है। भारत की मिट्टी पूछे तो बिना खटाखट चीजें सारी की सारी आनी चाहिए।